वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 जुलाई। आज मैं बात करूंगा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। विद इन टू डेज में जो भी हैपनिंग हुई है, यानी यस्टरडे 18 तारीख को इंक्लूडिंग टूडे, उसके बारे में बात करूंगा डिटेल में इस वीडियो में। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं, इधर आप इस वीडियो का पूरा पूरा टेक्स्ट चाहते हैं, तो आप जानकारी hub.com पे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से इधर आप पूरा पूरा टेक्स्ट वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है जो कि इम्पॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और होम्योपैथिक के क्षेत्र में करार किया है। करार का मतलब यहाँ पर यह होता है कि एक देश दूसरे देश से मिलकर कुछ ऐसा काम करते हैं ताकि दोनों देश को बेनिफिट हो सके और दोनों देशों में वो सुविधाएं आसानी से मुहैया कराई जा सके। इस काम के लिए भारत और क्यूबा कंट्री ने मिलकर चिकित्सा और होम्योपैथिक के क्षेत्र में एक अच्छा काम करने की योजना बनाई है ताकि दोनों देशों में ट्रांसपेरेंट हो, ये चीज़ें सुविधाएं आसानी से मिल सके, यानी क्यूबा के लोगों को भी और इंडिया के लोगों को भी। इस क्वेश्चन में हम जब बात करेंगे कि भारत ने किस देश के साथ क्षेत्रीय विमानन साझेदारी की है, यानी कि एयरपोर्ट से रिलेटेड, जैसे क्या होता है कि इंडिया से कोई भी यात्री जाता है विदेश में, या विदेश का कोई भी यात्री टूरिस्ट पर्पज़ से या किसी बिजनेस पर्पज़ से आता है, तो इस विमानन को, यानी एयरपोर्ट को आसान करने के लिए किन कंट्रियों के साथ इंडिया ने साझेदारी किया है। तो वो कंट्रियाँ कौन कौन से, ब्रिक्स कंट्री में जैसे ब्राज़ील आती है, ठीक है, इंडिया आता है, रसिया आता है, चाइना आता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिक्स कंट्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। इसमें ब्रिक्स आपने बैंक भी सुना होगा, जो कि इन सारी एशिया में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, इन सभी ने मिलकर ऐसा प्राविधान लॉन्च किया है, जो ब्रिक्स बैंक है आप जानते होंगे। उसी तरह से ब्रिक्स देशों से इंडिया ने समझौता किया है क्षेत्रीय विमानन से रिलेटेड, यानी एयरपोर्ट से रिलेटेड, ताकि वहाँ से सामान ले जाने में, टूरिस्ट को बढ़ावा देने में, इन सभी में भी लोगों को बेनिफिट हो और सारी सुविधाएं आसानी से मुहैया कराई जा सके। तो ये होता है MOU साइन, जो होता है मोमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस महान व्यक्ति की जयंती पे जेल में बंद कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे जो लेडीज हैं, जो जेंट्स हैं, और जो भी चाइल्ड्स हैं, चिल्ड्रेन हैं, यानी बच्चे जो हैं, तो वो सब जो जेल में बंद हैं वो शिफ्ट वाइज में उनको फ्री किया जाएगा, यानी जेल से बहाल किया जाएगा। तो गांधी जयंती के अवसर पर, यानी 2 अक्टूबर 2018 को, कुछ कैदियों को बाहर निकाला जाएगा उनको सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए। उसमें भी बहुत सारे टर्म कंडीशंस हैं, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो ये जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि किस महान व्यक्ति की जयंती पर ये लोग जेल से बाहर निकाले जाएंगे, तो महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर ये लोग जो जेल में बंद हैं वो लोग निकाले जाएंगे। आप पूरा पूरा वीडियो देख सकते हैं jankarihub.com पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस जगह पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दी है। जो स्वीकृति दी है वो कहाँ पे दिए, यानी कहाँ पे परमिशन दिया गया है। परमिशन जो दिया गया है वो उत्तर प्रदेश देवरिया में दिया गया है, जयपुर जो कि राजस्थान में है, देवरिया जो कि ईस्टर्न यूपी में आता है, और बस्ती भी ईस्टर्न यूपी है, और मुरादाबाद आप जानते हैं वेस्ट यूपी। तो देवरिया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी गई है, यानी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अब बन जाएगा, जो कि मोदी जी की सरकार में ये पारित हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो देवरिया के रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी बात है ये। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे चुना गया है। अंतरिम कोच यानी जो ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेंड करते हैं क्रिकेटर्स को, और उनके नए नए जो आइडियाज या रूल्स आते हैं, या जहाँ पर गलतियाँ करते हैं उन सबको सुधारने के लिए जो कोच हायर किया जाता है, या एक कोच जो कि असाइन किया जाता है उस टीम के लिए, उनका नाम है रमेश पवार। तो
ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यदि आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन ये होगा। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। रमेश पोर को बनाया गया है महिला क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी हाल ही में सेना का MiG-11 विमान कहाँ पे क्रैश हो गया था? देखिए, ये विमान होता है जो जो जल सेना, थल सेना और नव सेना होती है, यानी एयरफोर्स के जो विमान होते हैं वो क्रैश हो गया था। जो क्रैश हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था? जम्मू में हुआ था, पंजाब में हुआ था, या हिमाचल प्रदेश में हुआ था, या उत्तराखंड में हुआ था? ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये क्रैश हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको केवल एक चीज़ याद रखना है इसमें, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा हाल ही में कौन सा विमान, सेना का कौन सा विमान क्रैश हो गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है MiG-11, एंड कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हेरिटेज कैबिनेट की स्थापना की है? अब हेरिटेज कैबिनेट की जो स्थापना की गई है वो कौन सा ऐसा राज्य है? वो राज्य है उड़ीसा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को याद रखिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये क्वेश्चन होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हेयर। ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भारत विश्व में किस नंबर की हॉकी टीम है? जो हॉकी टीम है इंडिया वो इस समय किस स्टेज पे, यानी किस नंबर पर है? तो वो है 5वें नंबर पे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 5वें नंबर, 5वें पायदान पर है विश्व के स्तर पर भारत की हॉकी टीम। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जोब पर रिटेल कंपनी को हाल ही में किस कंपनी ने खरीद लिया है? देखिए, जोब पर एक रिटेल कंपनी है, यानी एक आउटलेट है, ये ऑफलाइन सेलिंग करती है कंपनी। इस कंपनी को अभी किस कंपनी ने खरीद लिया है, यानी कि इस कंपनी का पूरा पूरा शेयर जो परचेस कर लिया है वो कंपनी फोनपे। फोनपे आप जानते होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक बैंक है, एक वॉलेट है, कई सारे इसमें बैंक्स के पैसे ट्रांसफर ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं, और आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच कर सकते हैं, या इधर अदर सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। तो इसको जो ले लिया है कंपनी ने वो है फोनपे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन में। हाल ही में सुषमा स्वराज ने किस देश की यात्रा की है? उस कंट्री का नाम बताइए। दुबई में किया है, अमेरिका में किया है, बहरीन में किया है, या जापान में किया है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सुषमा स्वराज अभी 2 डेज की यात्रा पे गई थी बहरीन में, जो कि बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, यानी एक देश से दूसरे देश में क्या समझौते हुए हैं, वो बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में। तो ये MOU साइन होता है, इससे बेनिफिट दोनों कंट्रियों को होता है। चलिए, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ 19 जुलाई। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे तो आप इस वीडियो का लिंक आपके डायरेक्ट मोबाइल में पहुंच जाएगा। फेसबुक पेज लाइक कीजिए स्टडी रैपिड, आप facebook.com/studyrapid ईमेल भी कर सकते हैं आप, और जानकारीhub.com पे आप जाके पूरा पूरा वीडियो का PDF और टेक्स्ट भी देख सकते हैं आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।